बच्चों लास्ट टाइम हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, हमने बहुत सारे एग्जांपल भी बताया था उसमें आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चों? अगर हम आपसे किसी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करें, अगर किसी केमिकल रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि हम आपसे बोलते हैं जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आर गिवन अप। हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस इज गिवन अप, वो बाहर निकलता है। अगर हम आपसे बोलते हैं कि मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हम आपसे बोलते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम क्लोराइड, जरा इस बात को देखिए, इस केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने में कितना लंबा चौड़ा हो जाता है। अगर हम बोलते हैं कि व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड विथ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। अब जरा देखो बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन को हमने एक्सप्लेन किया, तो आप देखिए कि इट इज टू लॉन्ग टू राइट, ये लिखने में कितना लंबा चौड़ा हो जा रहा है। तो किसी भी बाकी भी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे तो ऐसे ही लंबा हो जाएगा। इट इज वेरी लॉन्ग टू राइट ऑन द पेपर अबाउट एनी केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग के पास दो शॉर्ट तरीका है, दो तरीके से शॉर्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक बाय वर्ड इक्वेशन, एक वर्ड इक्वेशन के द्वारा, एंड सेकेंड बाय केमिकल इक्वेशन के द्वारा। ये दोनों के दोनों शॉर्ट हैंड मेथड है, ये शॉर्ट तरीका है किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, शॉर्ट तरीका। तो इतना लंबा चौड़ा हम लोग को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक वर्ड इक्वेशन के द्वारा, दूसरा केमिकल इक्वेशन के द्वारा। तो देखते ओके बच्चों, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्टली रिप्रेजेंट हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक वर्ड इक्वेशन के द्वारा और दूसरा केमिकल इक्वेशन के द्वारा। वर्ड इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को उनके नाम के द्वारा प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को। जैसे कि जो रिएक्टेंट्स भाग लेते हैं, तो अभी हमने आपको एक रिएक्शन के बारे में बताया था बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंस रिएक्ट्स विद, तो रिएक्टेंट्स दो हो गए बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तो दो रिएक्टेंट्स को हम लोग क्या कर देते हैं प्लस के साथ ऐड करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद या कंबाइंस विद अमोनियम क्लोराइड, तो हम लोग अमोनियम क्लोराइड को उसके नाम के द्वारा वर्ड में
लिख देंगे अमोनियम क्लोराइड, फिर एरो देते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके नेम लिखते हैं, तो वो व्हाट हो जाएगा, तो बनता है आपका बेरियम, बेरियम क्लोराइड एंड दैट मीन्स प्लस बेरियम क्लोराइड क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है बच्चों। तो दिस इज द व्हाट इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड व्हाट इक्वेशन। दैट मीन्स व्हाट इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, किसी केमिकल रिएक्शन को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नेम्स के द्वारा, इन टर्म्स ऑफ देयर नेम्स, उनके नेम्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, व्हाट इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म, सॉरी यहां व्हाट लिखना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस। तो आप देख सकते हैं बच्चों की केमिकल रिएक्शन को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, रिएक्टेंट्स, कौन कौन हुए रिएक्टेंट्स, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्टेंट्स के नेम के द्वारा और यहां पर प्रोडक्ट्स के नेम्स के द्वारा, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये एक शॉर्ट हैंड मेथड है किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। तो ये अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज वर्ड इक्वेशन, तो आप क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम को लिख करके हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को। अब देखते हैं व्हाट इज वर्ड इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन हो गया। अब देखेंगे हम लोग व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब दूसरा मेथड देखते हैं बच्चों, दूसरा तरीका जो कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का होता है, दैट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड मेथड, केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स एंड फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखिए बच्चों केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब कि केमिकल इक्वेशन किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट हैंड मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है जिसमें जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज किया जाता है, उनके मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंबल में जो केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स अगर कंबाइन किया तो एलिमेंट्स के लिए सिंबल यूज होता है, अगर कोई कंपाउंड कंपाउंड इन्वॉल्व है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में तो कंपाउंड के लिए उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज होता है। आप जानते हैं कि एलिमेंट्स के लिए सिंबल यूज होता है और कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा था बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड है बच्चों, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज ए कंपाउंड, सो हम लोग उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे।
बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंस विद, बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी आप देखिए ये रिएक्टेंट्स जो आपस में कंबाइन करते हैं, तो ये रिएक्टेंट्स दोनों के दोनों कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज हुआ दोनों के लिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिएक्टेंट्स के लिए यूज हुआ। प्रोडक्ट्स में भी आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों कंपाउंड है, बेरियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों कंपाउंड है, इसलिए उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज हुआ। तो ये एक तरह का क्या कहलाएगा, ये एक तरह का केमिकल इक्वेशन है जो बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के बीच रिएक्शन को शॉर्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और एग्जांपल देते हैं, व्हेन जिंक कंबाइंस विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप देखो बच्चों, जिंक एलिमेंट है, सिंबल यूज हुआ Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ कंपाउंड, सो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज हुआ HCl, तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, एंड क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो आप देखिए हाइड्रोजन गैस का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये देखिए आप जिंक क्लोराइड ये कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों की केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सिंबल्स और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टर्म में किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो अब आप बता सकते हैं कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि यहां पर बच्चों अभी बैलेंस्ड पूरा हमने नहीं किया है, बैलेंसिंग हम लोग आगे सीखेंगे ही, बैलेंस कर लीजिएगा आप खुद से। अब सवाल आता है कि केमिकल इक्वेशन, आप जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, दो तरह की बातें हैं, एक है वर्ड इक्वेशन, एक तरफ है वर्ड इक्वेशन और एक तरफ है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के दोनों शॉर्ट हैंड मेथड है किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, दोनों मेथड है, बट ये इस मेथड में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के क्या यूज किए जाते हैं, नेम्स इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के रूप में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नेम्स लिख करके उसे हम लोग रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सिंबल्स, सिंबल्स और एंड फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करके हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसमें सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज किया जाता है किस किसके लिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए, इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम लिख करके रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इट इज टू शॉर्ट, केमिकल इक्वेशन कुछ ज्यादा ही शॉर्ट मेथड है एज कंपेयर टू वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन थोड़ा लंबा हो जाता है लिखने में, लेकिन केमिकल इक्वेशन तो उससे भी शॉर्ट हैंड मेथड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं। हाँ, तो बच्चों किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वर्ड इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करें या फिर केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करें, तो हम लोग कैसे उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि रिएक्टेंट्स को, रिएक्टेंट्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, रिएक्टेंट्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं विथ विथ साइन प्लस बिटवीन देम,
दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन देते हैं क्योंकि वो कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है। मान लीजिए कि ए कंबाइंस विथ बी, तो दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, इन्हें हम लोग रिएक्टेंट्स कहेंगे। तो रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं विथ द साइन प्लस बिटवीन देम, दोनों के बीच में प्लस। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट मान लीजिए कि प्रोडक्ट्स बनते हैं सी और डी, मान लीजिए प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो प्रोडक्ट्स को आप कहां लिखोगे? प्रोडक्ट्स को आप राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड। तो प्रोडक्ट्स मान लीजिए सी और डी बनता है, तो प्रोडक्ट्स को आप राइट हैंड साइड लिखेंगे, और वो भी उन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच प्लस का साइन होना चाहिए, दोनों प्रोडक्ट्स के बीच प्लस का साइन होना चाहिए। तो सो सी एंड डी, इफ सी एंड डी आर प्रोडक्ट्स, देन प्लस का साइन देते हैं दोनों के बीच में। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स है और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं, और बीच में देते हैं एरो इन सच ए वे, एरो इस तरीके से देते हैं कि ये एरो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ, एरो का जो हेड होता है उसका डायरेक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है, इस तरीके से हम लोग एरो देते हैं। दैट मीन्स कि इन दोनों से मिलकर ये दोनों बने हैं। ये एरो क्या सिंबल करता है? ये एरो क्या इंडिकेट करता है? कि इन दोनों से मिलकर के ये दोनों बना है। तो एरो का जो हेड होता है वो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट के तरफ होता है। ओके बच्चों, अब हम लोग देखें केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड को स्केलेटन के नाम से भी जानते हैं, स्केलेटन इक्वेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब एक एक करके देखेंगे कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके बच्चों, अब हम लोग देखें जरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसा केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें एक केमिकल इक्वेशन इन विच जिसमें द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब क्या समझे बच्चों? मतलब ये कि एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें सेम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो दोनों साइड, केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं। सेम एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो ऐसे इक्वेशन को, ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो क्या बोलोगे आप? सच एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, उसे हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करता है तो ये देखिए हम लोग केमिकल इक्वेशन दिखाने जा रहे हैं। सो हम लोग सिंबल और फॉर्मूला यूज करेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का। तो जब जिंक कंबाइन करता है सल्फ्यूरिक एसिड से तो क्या बनता है बच्चों? जिंक जब कंबाइन करता है सल्फ्यूरिक एसिड से तो जिंक सल्फेट बनता है,
ZnSO4, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो जरा एक एक करके बच्चों, एक एक करके सेम एलिमेंट्स का हम लोग दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स मिलाएंगे, इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो यह केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, और अगर इक्वल नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड कहलाएगा। चलिए देखते हैं एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं। एलिमेंट्स जिंक पहले, एलिमेंट्स का नाम हो गया LHS, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स, फिर RHS राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स। तो जिंक एलिमेंट का LHS लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं बच्चों, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, तो जिंक के कितने एटम है, 1। तो यहां पर LHS में जिंक के एटम का संख्या 1 लिख देते हैं। अब यही सेम एलिमेंट का राइट हैंड साइड में, यानी कि एरो के राइट हैंड साइड में सेम एलिमेंट का मिलाना है बच्चों, जिंक का लेफ्ट हैंड साइड में भी देखना है और जिंक का राइट हैंड साइड में भी देखना है कि कितने एटम है। तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं जिंक के 1 एटम है, सो राइट हैंड साइड में भी 1 एटम है। तो एक जिंक का तो हो गया, जिंक का एलिमेंट का चेक कर लिया हमने। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एलिमेंट का चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के और राइट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं बच्चों, 2 है। यहां देख रहे हैं आप H2, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो आप राइट हैंड साइड में भी देखो जरा कितने एटम्स हैं, 2। तो राइट हैंड साइड में भी लिख देते हैं 2। चलिए हाइड्रोजन का भी चेक हो गया, अब कौन बचा, सल्फर। सल्फर का लेफ्ट हैंड साइड में देखे जरा, सल्फर का लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है, 1। सो सल्फर का S, सल्फर का 1, और राइट हैंड साइड में सल्फर देखो बच्चों कितना है, एटम 1, सल्फर का भी 1, राइट हैंड साइड में भी 1। चलिए अब देखते हैं, सल्फर का भी हो गया चेक हो गया, अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स है। ऑक्सीजन आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है, 4। तो ऑक्सीजन का हो गया आपका 4, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 4। तो ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में भी 4 है। अब आप जरा एक बार इसे ध्यान से देखो बच्चों, सेम एलिमेंट का केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स देखिए बराबर है। जिंक का लेफ्ट हैंड साइड में भी 1, राइट हैंड साइड में भी 1 एटम। हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम, राइट हैंड साइड में भी 2 एटम। हाइड्रोजन का हो गया, सल्फर का लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम, राइट हैंड साइड में 1 एटम। ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में 4 एटम, राइट हैंड साइड में 4 एटम। तो हमने आपको अभी क्या बताया था कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स, ऑफ द सेम एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों साइड बराबर होते हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो हम लोग इसे कहते हैं कि यस इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या है बच्चों, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी ठीक हम लोगों ने इसके पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखा, जब आप बैलेंस समझ गए हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बड़ी आसानी से आप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी समझ सकते। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज सच एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अनइक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों साइड्स में सेम एलिमेंट का एटम का संख्या अगर डिफरेंट है, दैट मीन्स कि इक्वल नहीं है, तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। अगर हम लोग बात करें बच्चों H2+O2, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब हम लोग आते हैं एलिमेंट्स
फिर नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन RHS, इक्वेशन के राइट हैंड साइड। चलिए एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट पकड़ते हैं बच्चों हाइड्रोजन को। यस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, टू। ओके टू, एंड राइट हैंड साइड में कितना है, टू। बोथ आर द सेम, तो हाइड्रोजन के लिए तो दोनों सेम हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन एलिमेंट का लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम कितना है, टू, बट राइट हैंड साइड में कितना है बच्चों, वन। तो आप बताइए अब तो ये अनबैलेंस हो गया, क्योंकि एक का तो मैच कर रहा है बट दूसरे एलिमेंट का इक्वल नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड रिएक्शन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सॉरी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है बच्चों, ये केमिकल इक्वेशन कैसा है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये बिल्कुल भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि सेम एलिमेंट का एटम का संख्या बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। सो दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें इसे बैलेंस करना जरूरी है, सो वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही सीखेंगे। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बैलेंस्ड होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो अनबैलेंस्ड होते हैं। तो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को हम लोग स्केलेटल के भी नाम से जानते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सवाल यह होता है बच्चों कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन के द्वारा, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो बच्चों बैलेंस करना इसलिए जरूरी है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस इन क्लास 9। आपने 9th क्लास में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ में से एक था। तो इस लॉ को फॉलो करने के लिए, इस लॉ को ओबे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्यों जरूरी है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, तो आप बोलेंगे केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी टू बी बैलेंस्ड टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि हम लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी सब्सटेंस का मास जो है ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग उससे जानते हैं, इस नाम से, इस लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, क्योंकि मास कभी भी क्या होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है। ओके बच्चों, अब हम लोग जरा देखें इसको, ये तीनों केमिकल इक्वेशन को जरा ध्यान दें। H2+O2, H2 combines with O2 to form water, H2। पोटासियम क्लोरेट KCLO3, पोटासियम क्लोरेट डिकम्पोजेस इन KCl, पोटासियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। जिंक कंबाइंस विद HCl टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो ये तो साफ बच्चों पता चल रहा है कि ये बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम जो है दोनों साइड बराबर नहीं है। तो हम लोग इसे बैलेंस्ड करेंगे, देन हाउ टू बैलेंस, कैसे बैलेंस करेंगे। तो
जहां जिस साइड में, लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड, जिस साइड में सेम एलिमेंट का एटम का संख्या कम है। अब यहां देखिए, यहां पर ऑक्सीजन के एटम दो है, यहां पर ऑक्सीजन के एटम एक है, सो कम किस साइड है बच्चों? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या एक, ऑक्सीजन के एटम की संख्या एक है, तो हम लोग यहां टू से अगर आगे टू से मल्टीप्लाई कर, यहां पर टू लगा देते हैं आगे, सो ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए राइट हैंड साइड में? टू हो गए। सो ऑक्सीजन सेटिस्फाइड हो गए, ऑक्सीजन के दोनों साइड बराबर हो गए, दो ऑक्सीजन के एटम राइट हैंड साइड में भी हो गए और दो ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में भी हो गए। अब हम लोग एक बार हाइड्रोजन का मैच करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के एटम्स दो, जबकि राइट हैंड साइड में ये मल्टीप्लाई होता है बच्चों, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए? टू टू जा फोर। अब तो राइट हैंड साइड में ज्यादा हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के एटम कम हो गए, तो कितना कम हो रहा है? यहां फोर है, यहां टू है, तो इस टू को फोर बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? टू से। सो वी कैन मल्टीप्लाई, हम लोग आगे हाइड्रोजन के आगे टू लगाते हैं। अब आप चेक कीजिए एक बार, हाइड्रोजन के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में फोर, राइट हैंड साइड में भी फोर, इन बोथ साइड बोथ आर इक्वल। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एटम्स टू, राइट हैंड साइड में ये देखिए मल्टीप्लाई टू से, राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन टू। सो दोनों एलिमेंट्स बच्चों दोनों साइड बैलेंस्ड हो चुके हैं। तो अब ये केमिकल इक्वेशन क्या हो चुका है? बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड हो गया। अच्छा, ये दूसरा केमिकल रिएक्शन में आता है, पोटासियम क्लोरेट इज हीटेड टू डिकम्पोज पोटासियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। अब देखिए एक एक करके चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट डिकम्पोज हुआ पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, तो सबसे पहले हम पोटासियम एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स चेक करते हैं दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो लेफ्ट हैंड साइड में पोटासियम के वन एटम, राइट हैंड साइड में भी देखिए पोटासियम के वन एटम इक्वल है। चलिए अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन पोटासियम का चेक हो गया, क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का लेफ्ट हैंड साइड में वन एटम, क्लोरीन का राइट हैंड साइड में भी वन एटम इक्वल है। याद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में थ्री एटम और राइट हैंड साइड में टू एटम्स, यस ये बच्चों बराबर नहीं है, ये ऑक्सीजन के एटम्स दोनों साइड इक्वल नहीं है, सो हम लोग को इक्वल करना होगा, हम लोग को उसे बैलेंस करना होगा। तो जहां पर कम संख्या होता है ना, जिस साइड चाहे लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, जहां पर कम संख्या होता है वहां पर देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बच्चों यहां थ्री है और यहां टू है, तो जब थ्री और टू का केस अगर हम लोग मान लीजिए कि हम यहां टू से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये तो बच्चों फोर हो जाएगा, ऑक्सीजन के फोर एटम्स हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में थ्री है, तो यहां कुछ भी करेंगे तो दैट इज डायरेक्टली देखा जाए तो ये मुश्किल है, इसको फोर बनाना मुश्किल है, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स हो जाएगा और यहां टू से मल्टीप्लाई किए तो फोर हो जाएगा, तो अभी भी वो अनबैलेंस्ड होगा। तो क्या करते हैं ना, जब थ्री और टू का रेशियो जब दिखाई दे बच्चों, थ्री और टू वाला, तो टू वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्री से और थ्री वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं टू से, तो बोथ साइड सिक्स हो जाएगा। अगर टू एटम्स है यहां पर, अगर हम यहां थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो थ्री टू जा सिक्स, और जहां पर थ्री है वहां पर अगर टू से मल्टीप्लाई कर दें तो थ्री टू जा सिक्स। सो अब आप देखिए बोथ साइड्स ऑक्सीजन के एटम्स इक्वल हो गए, ऑक्सीजन के एटम थ्री टू जा सिक्स, यहां पर ऑक्सीजन के एटम्स बच्चों थ्री टू जा सिक्स इक्वल हो गए, ऑक्सीजन तो इक्वल हो गया, लेकिन यहां टू से मल्टीप्लाई करने पर पोटासियम के एटम्स अनबैलेंस्ड हो गए। ये देखिए पोटासियम यहां दो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पोटासियम एक हो गया, तो जहां पर एक है उसको दो बनाना है तो टू से मल्टीप्लाई कर लेते, पूरा केसीएल में पोटासियम क्लोराइड में टू से मल्टीप्लाई कर। अब आप चेक कीजिए एक बार फिर से, दो पोटासियम के एटम, दो पोटासियम के एटम लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर हो गए,
दो क्लोरीन के एटम, लेफ्ट हैंड साइड में दो क्लोरीन के एटम, राइट हैंड साइड में भी दो क्लोरीन के एटम इक्वल हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के सिक्स एटम्स, राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के सिक्स एटम्स, सो इट बिकेम बैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड हो गया। चलो तीसरा वाला देखते हैं, जिंक ZN प्लस HCl कंबाइन किया, ZnCl2 प्लस H2। यहां देखिए बच्चों जिंक का पहले चेक करते हैं दोनों साइड, जिंक के नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में भी 1 इक्वल है। हाइड्रोजन का चेक करें, हाइड्रोजन में लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 2, यस डिफरेंस आ गया बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का 1 एटम, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम, तो जहां कमी होती है उस साइड मल्टीप्लाई करते हैं, कमी कहां है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में 1 है राइट साइड में 2 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दो हाइड्रोजन इक्वल हो गया। अब यहां देखो बच्चों, यहां क्लोरीन दो हो गए ना लेफ्ट हैंड साइड में, Cl2 से मल्टीप्लाइड हो गया, तो दो क्लोरीन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी आप देखिए दो क्लोरीन के एटम। अब आप एक बार फिर से चेक कर लो, जिंक का एटम एक लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 1 इक्वल है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2, लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन 2, राइट हैंड साइड में क्लोरीन के 2 एटम, सो इट इज बैलेंस्ड। इस तरीके से आप बहुत सारे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, और अभी हम आपको कुछ केमिकल इक्वेशंस देंगे, अगर वो बैलेंस्ड है तो आप ऑलरेडी बैलेंस्ड लिख सकते हैं, और अगर वो बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है, तो आपको उसे बैलेंस करना है। ओके बच्चों, ये कुछ केमिकल इक्वेशंस है, आपको चेक करना है, आप देखेंगे कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। अगर ये बैलेंस्ड है तो आप साइड में कॉस्ट में बैलेंस्ड लिख देंगे, अगर अनबैलेंस्ड है तो अनबैलेंस्ड लिखेंगे, और अगर वो इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो आप उसे बैलेंस करेंगे, उसे चेक किया जाएगा, आप उसे बैलेंस्ड करेंगे। आप एक बार जल्दी से इसे देख लीजिए, अगर बैलेंस्ड है तो भी आपको साइड में लिखना है बैलेंस्ड, और अगर अनबैलेंस्ड है तो अनबैलेंस्ड लिखना है, और अगर अनबैलेंस्ड है तो उसे बैलेंस करके आपको दिखाना है।